जहां जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादियों और दहशतगर्दियों द्वारा लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। वहां के मूल निवासी रिहान रासदेव ने भारत का नाम उजागर किया है। मिश्र एशिया चैंपियन क्षेत्र में रिहान रासदेव भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मिस्टर इंडिया मेंस फिजिक 2017 का किताब अपने नाम किया है। रिहान ने आतंकवादियों और ट्रिपल तलाक पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हमारी संवाददाता श्रीमा गुप्ता ने उनसे की खास बातचीत। आज हमारे साथ है मिस्टर इंडिया मेंस फिजिक्स 2017 के विनर रिहान, जो एशिया चैंपियनशिप कंपटीशन में इंडिया को प्रेजेंट करने वाले हैं। आइए आज हम उनसे बातें करते हैं, उनकी क्या क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपको तहलका न्यूज 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आपकी क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं एशिया कॉम्पिटिशन के लिए, इंडिया को प्रेजेंट करने वाले हैं? बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे है और बहुत डिसिप्लिन वर्कआउट्स हैं, फैट परसेंटेज और कम करने की कोशिश है और शार्प और रिप जाएंगे एंड होपफुली विल मेक अ मार्क देयर। ओह रियली रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। भगवान ने लगा हमारी मेहनत को सफल किया है और फेल्ट वेरी प्राउड। आप जैसे कि हर चीज़ में घर वालों की सहमति और ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? आई थिंक दे've बीन रियली रियली सपोर्टिव। शुरू में उनको ये फैसला समझ तो कम आता था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छे खासे चलते हुए करियर को छोड़ के एक्टिंग की तरफ और फिटनेस की तरफ जा रहा है, जो यूजुअली एक थोड़ा ऐसा करियर माना जाता है जिसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं है, श्योर नहीं है। बट दे न्यू वन थिंग कि मैं श्योर हूँ कि करना मैं यही चाहता हूँ, खुशी मुझे यही मिलती है, सो दे रियली सपोर्टेड मी। आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आप बॉलीवुड में किसके साथ और किस प्रकार की मूवी करना चाहेंगे? ये मूवी मसाला या फिर किसी के ऊपर बायोपिक या फिर एक्शन ड्रामा? आई थिंक एनीथिंग दैट्स गुड वर्क। जो हम जिस स्क्रिप्ट को हम अच्छे से यू नो उसको हम वी कैन मेक इट कम अलाइव ऑन द स्क्रीन, जो भी दिल को छुए, एनी गुड वर्क एंड द नो स्पेसिफिक्स। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में करंटली बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं उन्होंने, सो आई वुड बी रियली ग्लैड टू वर्क विद एनी ऑफ देम। मुझे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, मैं सबको फॉलो करता हूँ, आई वुड बी ग्लैड टू वर्क विद देम। आपको इस तैयारी के दौरान आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना है, तो आप सबसे ज़्यादा मिस क्या करते हो, कौन सा खाना? घर का खाना। मम्मी के हाथ का कौन सा स्पेसिफिक कोई डिश है या फिर सारी चीज़ें? व्हाटएवर माय मॉम मेक्स, इट्स लवली। या अभी जैसे कि कश्मीर में माहौल बहुत गर्म है, वहाँ के लोग जो हैं पत्थरबाजी करते हैं और आर्मी को सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक यस, उनके साथ इंगेज करना ज़रूरी है, उनको ये एहसास कराना ज़रूरी है कि आप भी उसी जगह का हिस्सा हैं, वो आपका भी घर है और सबकी खुशहाली और तरक्की जो है वो पीस और डेवलपमेंट में ही है, सो उनको इस रास्ते की तरफ मोटिवेट किया जाए एंड उनमें आई थिंक वापस से विश्वास जगाया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ उनको साथ लेके चलेगी एंड सबके लिए ठीक होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं गलत मोटिवेशंस में आकर ये लोग ऐसा डिस्ट्रक्टिव कदम उठाते हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, सो उनके साथ इंगेज करना ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत वहाँ के पीस के लिए ज़रूरी है। अभी जैसा कि हलाला निकाह और तीन तलाक पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है, तो आपको क्या लगता है कि किसके हित में ये फैसला आना चाहिए? आई थिंक ये एक बहुत ही एक तरफा बात है कि मेल अपनी तरफ से तलाक देते तो तलाक कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों तरफ की से रिक्वायर करना चाहिए, तो इसमें फीमेल की से भी होनी चाहिए। दर्शकों को आप कुछ हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे, जैसे कि आप फिलहाल बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं, तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? इतना स्ट्रिक्ट डाइट नॉर्मल लाइफ में रखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ट्राई एंड ईट क्लीन। बीच में कभी कुछ मन किया तो बाहर का भी खा लिया एंड जस्ट कीप एक्सरसाइजिंग, आई थिंक सो यू विल कीप फिट, यू विल कीप यू नो टेस्ट्स आल्सो अलाइव। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये भी हमारे साथ रिहान, जो कुछ मसलों पर उनकी राय हमने जानी। कैमरा पर्सन सुहास के साथ सीमा गुप्ता, तहलका 24।